हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्प्राउटेड चीज बॉल बनाना बता रही हूं। सबसे पहले मैं इसमें स्टफिंग बना रही हूं। इसके लिए मैंने मूंग और मोठ दोनों को लिया है। एक कटोरी मेरी मूंग है और एक ही कटोरी मैंने मोठ लिया है। सबसे पहले इसे हम उबालेंगे, तो हल्का सा उबालना, सिर्फ 5 मिनट। मैंने ये पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर मैं इसे डाल रही हूँ। इसमें उबाली आएगी। उबाली आने के बाद गैस को आप कम कर दीजिए और 5 मिनट तक इसे उबालना है। मीडियम गैस पे रखिए, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं ये अच्छे से 5 मिनट मैंने इसे इसी तरह उबलने दिया। आप गैस को बंद कर दीजिए। मैंने ये कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है। इसके अंदर मैं 1.5 बड़े चम्मच तेल यूज करूंगी। 1.5 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। ये तेल गर्म हो रहा है। इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच राई, जीरा, गैस को आप मीडियम कर दीजिए, 1 चम्मच खसखस, 1 चम्मच तिल्ली, 1/2 चम्मच सौंफ, 1 हरी मिर्ची बारीक काट के यूज की है मैंने। इसी के अंदर आप 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल दीजिए। प्याज को हमें एकदम अच्छे से कलर लाना है। गैस को आप तेज कर दीजिए। जब हमारे एकदम प्याज अच्छे से होने लगेंगे, जब हम गैस को मीडियम कर देंगे, मीडियम गैस पे हमें इसे प्याज को अच्छा गोल्डन कलर लाना है। आप देख सकते हैं प्याज मेरा एकदम अच्छे से कलर हो गया है, तेल इसका छोड़ने लगा है। इसके अंदर मैं 1/2 चम्मच हल्दी, मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्ची यूज की है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर और 1/2 चम्मच में गरम मसाला डाल रही हूँ। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये मेरा अच्छे से मिक्स हो गया है। जो स्प्राउटेड थे इन्हें मैंने अच्छे से इनका पानी निकाल दिया है। चलनी में मैंने इसे डाल दिया था, इसका पानी पूरा अच्छे से निकाल दिया। इसे आप एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप मिर्ची ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो इसके अंदर आप मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्ची एक बारीक बारीक काट के डाली है, इसलिए मैंने 1 चम्मच लाल मिर्ची यूज़ की है, 1.5 चम्मच। इसके अंदर अब मैं नमक डाल देती हूँ। गैस को आप तेज कर दीजिए ताकि हमारा मसाले में जो भी पानी है वो अच्छे से सूख जाएगा। इसके अंदर मैंने नमक डाला है। हमें मसाला एकदम सूखा हुआ बनाना है। इसमें जो भी पानी है आप देख लीजिए, मोठ में थोड़ी सी नमी रहती है, पूरी हमें अच्छे से सुखाना है। आप देख सकते हैं ये पूरा तेल छोड़ने लगा। इस तरह से आप चम्मच में देख सकते हैं पूरा तेल आ रहा है। इसके अंदर मैं धनिया पत्ती भी अभी डाल देती हूँ, ताकि जो धनिया पत्ती में थोड़ा सा पानी रहता है वो भी हमारा एकदम अच्छे से सूख जाएगा। बस 2 मिनट बाद आप गैस बंद कर दीजिए। हमारा मसाला, हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो जाएगी। मेरी स्टफिंग बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। धनिया पत्ती पूरी सूखने लगी है। गैस को मैंने बंद कर दिया है। इस तरह से आप इसे थाली में डाल के अच्छे से ठंडा कर लीजिए। आलू लिए हैं मेरे, ये 12 आलू हैं। आलू को मैंने उबाल लिया है और अच्छे से ठंडा कर लिया है। एकदम ठंडा भी नहीं करना हमें। इस तरह से आप अलग अलग मैश करते चाहिए। आलू आप थोड़े से गर्म रखेंगे, उसे मैश करेंगे तो हमारे आलू एकदम अच्छे से मैश होंगे, चिपचिप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस तरह से आप सारे आलू मैश कर लीजिए। ये आलू मैंने अच्छे से मैश कर लिए और मेरे आलू एकदम अच्छे से ठंडे हो गए। मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा करा है। इसके अलावा मैंने पोहा लिया है। पोहे को एकदम मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से पीस लिया है। 3 चम्मच यूज़ कर रही हूँ मैं। इसके अलावा मैंने चावल का आटा लिया है। चावल का आटा भी मैंने घर में ही बनाया है, इसे तुरंत पीस के और छन्नी से छान लिया था। 3 चम्मच इसे डाला है मैंने। इसके अलावा मैंने अरारोट लिया है, मार्केट में इजीली मिल जाता है। 2 चम्मच इसे डाल दीजिए। इसको आपको एकदम अच्छे से सबको मिक्स करना है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं हल्के हाथों से करिए, ताकत लगाएंगे तो ये पानी छोड़ने लगेगा, इसलिए इसमें अभी हमने नमक नहीं डाला है। पहले इसे हम मिक्स करके देख रहे हैं इसमें हमें कितना लगेगा। ये मुझे थोड़ा सा पोहा और लगेगा।
मैंने 1.5 चम्मच पोहा लिया है, 1 चम्मच मैंने अरारोट लिया है और 2 चम्मच चावल का आटा और डाल रही हूँ। कई बार आलू ज्यादा पीते हैं, आलू में नमी रहती है तो हमें पाउडर थोड़ा ज्यादा डालना पड़ता है ताकि ये एकदम हमारा एकदम अच्छे से आटे की तरह गोथा जाए। देखिए अब मेरा ये टाइट होने लगा है, इसके अंदर में बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, ज्यादा नमक मत डालिए नहीं तो कि हमारा चिपचिपा हो जाएगा। ये बस इसे आटे की तरह आप अच्छे से गूंथ लीजिए, इस हिसाब से चेक करके देख लीजिए हमारी एकदम बॉल अच्छे से बन रही है क्या। देखिए हमारी बॉल एकदम अच्छी और स्मूथ बॉल बन रही है इस तरह से, बस इस तरह से आपकी बॉल बनना चाहिए। ये हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। मैंने ये अमूल का चीज़ लिया है, आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। इस तरह से मैंने इसे आप कीस के तैयार कर लीजिए। ये मेरा मसाला है जो मैंने एकदम ठंडा करने के लिए रखा था, पूरा अच्छे से ठंडा हो गया। जो चीज़ है आप इसमें से मिक्स कर दीजिए। इसके अंदर मैंने पूरा चीज़ डाल दिया है, इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्प्राउटेड चीज़ उगी हुई चीज़ के बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा करती है। इस टाइप से बच्चों को बना के देंगे तो उन्हें नया टेस्ट मिलेगा और प्रोटीन भी उनके शरीर में बहुत सारा चला जाएगा। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसे। इसे बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, तेल पे आप अच्छे से हाथ को कवर कर लीजिए। मीडियम साइज की बॉल बनाइए इस तरह से, इसे फिर इस तरह थोड़ा सा फैला दीजिए। मैंने इसे अच्छा थोड़ा साइज बड़ा कर लिया है। हमारी जो स्टफिंग है उसे आप लीजिए और इसमें डाल दीजिए, जितनी एक बार में आप उतनी डालिए, एकदम बहुत सारी मत डालिए क्योंकि इसे हमें अच्छे से कवर भी करना है। ये अगर हमारी फट जाएगी तो इसमें जितना ऑयल है पूरा अंदर चला जाएगा क्योंकि इसे हम डीप फ्राई कर रहे हैं। देख सकते हैं मेरे एकदम अच्छे से पूरा कवर हो गया है। इस तरह से मैंने इसे पूरा गोल कर लिया है। ये देखिए कहीं से भी इसमें कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर हमारा मसाला दिख रहा है तो आप थोड़ा सा इस टाइप से उठाइए, इसे इस तरह से कवर कर दीजिए, हमारा पूरा अच्छे से चिपक जाएगा। तो हाथ की वजह से हुआ है, बाकी पूरा अच्छे से हो गया है। तेल मैंने एक तरफ गर्म करने के लिए रखा है, तेल को आप मीडियम गैस कर दीजिए, ज़्यादा एकदम हाई फ्लेम पे मत गर्म कीजिए। इस तरह से आप लीजिए उसे, थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के इसे अच्छे से मसल लीजिए ताकि पूरा एक जैसा हो जाएगा हमारा, इसमें एकदम अच्छे से लोच आ जाएगा। ये देखिए हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है, इसे आप इस तरह से फैला दीजिए। बस साइज छोटा है इस वजह से आप थोड़ा सा स्टफिंग को कमी भरिए इसके अंदर, इस तरह से पूरा कवर कर दीजिए। यह हल्के से दबाइए, आप दबा दबा के इसे गोल करते जाइए। आप देख सकते हैं मेरी एकदम अच्छे से बनके तैयार, इस तरह से आप बाकी की तैयार कर लीजिए। मैंने ये तेल गरम करने के लिए रख दिया, इसे चेक करने के लिए आप इस तरह से लकड़ी का डाल दीजिए। देखिए इसमें हल्के हल्के से बबल्स आना शुरू हो रहे हैं, मतलब हमारा ये तेल एकदम अच्छे से गर्म हो गया। हमें एकदम खूब तेज नहीं चाहिए, इसमें छोटे छोटे से बबल्स दिख रहे हैं बस उतना ही हमें चाहिए। इस तरह से आप देखेंगे ना इसमें, ये देखिए दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे से बबल्स, झाग जैसे दिख रहे हैं, ये देखिए बस इतना ही हमें तेल गर्म करना है, एकदम ज़्यादा नहीं गर्म करना है। इसमें जो हमने बॉल बनाई है बिल्कुल इसे हल्के हाथों से आप डाल दीजिए, एक साथ आप बहुत सारी मत डालिए, थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालिए। दो मिनट आप रुक जाइए, इसे कुछ भी मत करिए, ना आपको इसे हिलाना है ना कुछ करना है, 1 से 2 मिनट तक आपको इसी तरह रुकना है।
जो एक मिनट एक से डेढ़ मिनट हो चुका है, इसे बस हल्के हाथों से आप घुमाना चालू कीजिए। लकड़ी का चम्मच लीजिए आप, इससे इस तरह से गोल गोल घुमा के करेंगे तो हमारे सब तरफ से अच्छे से बनेंगे। चम्मच लगाएंगे आप इसमें तो हमारे टकरा के फूट जाते हैं, फिर उसमें तेल घुसेगा। इस तरह से आप करेंगे, कभी भी आप कोई भी तलने की चीज़ हो इसी तरह से आप उसे यूज़ कीजिए। बस गैस को मीडियम ही रखिए, मीडियम गैस पे इसमें अच्छे से आपको कलर लाना है। बस इस तरह से आप इसे हिला हिला के बनाते जाइए। आपको एक ट्रिक और बता रही हूँ, कई बार क्या हमारा अगर आलू चिपचिपा, बाजार का जो कई बार आलू नया रहता है तो चिपचिपा रहता है, अगर उससे आप बनाएंगे तो हमारे ये फटने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। उसके लिए ट्रिक ये है कि आप एक कटोरी में थोड़ा सा 2 चम्मच मैदा लीजिए, उसका गाढ़ा घोल बनाइए। जहाँ से ये फट जाते हैं, जैसे यहाँ से फटाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा चिपका दीजिए। आप कढ़ाई में डाल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ से हमारा फट रहा है, तो आप उसके ऊपर इस तरह से एक एक दो दो बूंद टपका दीजिए, तो भी हमारे ये एकदम अच्छे से बन जाएगा, उसमें तेल बिल्कुल भी नहीं घुसेगा। इसी तरह से आप बनाते जाइए। इसका कलर हमें एकदम अच्छे से लाना है। आप देख सकते हैं यहीं पे दिख रहा है कि हमारा कलर इसका आएगा तो एकदम हमारे कुरकुरे बनेंगे। ये अभी यहीं से हमारे कुरकुरे हो रहे हैं। कलर इसका एकदम अच्छा बढ़िया कलर लाइए आप। जैसे टाइम लगता है इसको तलने में, एकदम आराम से बनते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बॉल का कलर एकदम अच्छे से आ गया है, इसे आप निकाल लीजिए। अगर इससे आपको डार्क पसंद है तो आप डार्क कलर भी ला सकते हैं। आप देख सकते हैं एकदम मेरी कड़क क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। इसे आपको मैं अंदर से काट के दिखा रही हूँ, अभी एकदम गर्म है ये। देखिए इसमें चीज़ डाला है, इस वजह से ये पूरी एकदम अंदर से नरम नरम गरम गरम है। इसे आप गरम गरम खाइए। ये मेरी ग्रीन चटनी है, ये मैंने टमाटो सॉस बनाया है। अगर आपको ये स्प्राउटेड चीज़ बॉल की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।